स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस अपने हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9 की हिस्ट्री को, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, किस लिए लाया गया और कब स्टार्ट हुआ। ये सारी चीजें हम इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1789 के अंदर। द सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास शेकन द अपर क्लासेस, द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द क्रूअल डिजाइन ऑफ मोनार्ची। बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने का मोटिव ही ये था क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। एक्चुअली वो चाहते थे, क्योंकि वहां पर जो सिस्टम फॉलो हो रहा था वो हो रहा था मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब होता है रूल ऑफ किंग और क्यों। तो वहां पर जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा था मोनार्ची सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, जिसको लोगों के अंदर बहुत एग्रीटेशन हो रहा था क्योंकि वो लोग अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो दिस रेवोल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी। इस रेवोल्यूशन के कारण लोगों के अंदर भावना आई लिबर्टी को लेकर, फ्रेटर्निटी को लेकर और इक्वालिटी को लेकर। तो द रेवोल्यूशन बिगेन ऑन 14 जुलाई 1789 विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन द बस्टाइल। तो ये रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 14 जुलाई 1789 में और ये स्टार्ट हुई थी बस्टाइल। बस्टाइल एक जेल का नाम है वहां पर। तो बस्टाइल द फोर्ट्रेस प्रिजन वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो बस्टाइल यानी जेल के अंदर जितने भी लोग थे उन सब ने, जो किंग का डिस्पोटिक पावर थी, मतलब बहुत परेशान हो चुके थे किंग के रूल से, उन सबका गुस्सा एक एग्रीटेशन में बढ़ गया और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कर दी। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या क्या कॉजेज रहे और क्यों क्यों क्या कारण रहे जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन करना पड़ा। पहला कॉज है सोशल कॉज। सोशल कॉज, सोशल कॉज में समझते क्या क्या चीजें हुई। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट्स। फ्रेंच के अंदर वहां पर सोसाइटी का डिविजन किया गया थ्री स्टेट्स के अंदर। ये थ्री स्टेट्स कौन कौन से थे, वन बाय वन हम इसको समझते हैं। पहला स्टेट का नाम था क्लर्जी, सेकेंड स्टेट का नाम था नोबिलिटी, थर्ड स्टेट का नाम था, जिसमें कंप्राइज थे कॉमन पीपल बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीसेंट्स और आर्टिशंस। हम देखते हैं फर्स्ट स्टेट जो था हमारा क्लर्जी, उसके अंदर कौन आते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर। क्लर्जी उनको बोला जाता था जो चर्च मैटर, वहां पर चर्च मैटर्स के अंदर जो देखरेख करते थे लोग, उनको हम क्लर्जी स्टेट के अंदर क्लासिफाई किया गया था। सेकंड स्टेट में है नोबिलिटी। नोबिलिटी के अंदर पर्सन्स हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर नोबिलिटी स्टेट जो दिया गया था वो उन लोगों को दिया गया था जिनकी हाई पोजीशन थी और वो कुछ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनकी कोई हाई रैंक या हाई प्रोफाइल पे वो लोग थे। और थर्ड स्टेट कंप्राइज की गई थी स्मॉल पीसेंट्स के लिए, वर्कर्स के लिए, लैंडलेस लेबर्स के लिए, आर्टिशंस के लिए, सर्वेंट्स के लिए। ये वहां पर सोसाइटी का तीन पार्ट्स में डिवीजन किया गया था। अब हम देखते हैं कि डिवीजन करने से वहां पर क्या क्या चीजें दी गई थी और किस किस को दी गई थी। फर्स्ट टू क्लासेस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। अब वहां पर फर्स्ट टू क्लासेस कौन कौन सी थी, क्लर्जी और नोबिलिटी, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया था, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। दे एंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ। उनको कहा गया था भैया तुम बॉर्न हो चुके हो, अब तुम बचपन से जिस फैमिली में तुम बॉर्न हुए तो आप उसके प्रिविलेजेस आपको मिलेंगे और आप वो एंजॉय करोगे आपके राइट्स। बट ओनली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और सारा का सारा टैक्स का जिम्मा उठा रखा था थर्ड स्टेट के लोगों ने, यानी कि कॉमन पीपल, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, आर्टिशंस, स्मॉल पीसेंट्स, इन सारों के ऊपर उन्होंने बर्डन दे दिया था कि आपको तो टैक्स पे करना है और फर्स्ट जो दो स्टेट्स है उनको टैक्स पे नहीं करना है। और यहाँ पर टैक्सेस के भी कुछ नाम होते थे, देखते क्या होते थे। डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल, डायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर बोला जाता था टेल। एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर चार्ज ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और तंबाकू। और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ये लोग चार्ज करते थे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सॉल्ट के ऊपर, तंबाकू के ऊपर जो लगाया जाता था वो इनडायरेक्ट टैक्स था और डायरेक्ट टैक्स का नाम था यहाँ पर टेल। अ टैक्स कॉल्ड तिथि, एक और टैक्स था जिसका नाम था तिथि, वॉज ऑल्सो कलेक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीसेंट्स। चर्च के लोग स्मॉल पीसेंट से ये टैक्स कलेक्ट करते थे। क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन बट पॉजेस 60% ऑफ लैंड। हम देखे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो क्लर्जी और नोबिलिटी के जो लोग थे वो 10% ही थे पॉपुलेशन के, बट 60% लैंड के जो ओनरशिप थी वो इन दोनों को दी गई थी। एंड थर्ड स्टेट वॉज 90% ऑफ पॉपुलेशन बट पॉजेस 40% ऑफ द लैंड।
और थर्ड स्टेट में जो लोग थे 90% बिलोंग करते थे इस पॉपुलेशन, थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन से, बट उनको जो लैंड गिवन था वो ओनली 40% था। तो हमने देखा किस तरीके से सोशल कॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम बना। नेक्स्ट देखते हैं हम इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कॉज के अंदर क्या क्या चीजें हुई। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एक्चुअली सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, देखते हैं हम किस तरीके से वहां पर हुई। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फॉर अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो बढ़ गई 23 मिलियन 1715 में थी, जो कि 1789 में जाके 28 मिलियन हो गई। दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, पॉपुलेशन बढ़ी ऑब्वियसली सी बात है तो डिमांड भी बढ़ेगी फूड ग्रेन्स की। हाउएवर प्रोडक्शन कुड नॉट कीप फेस विद द डिमांड विद अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स। अब डिमांड की बात करें तो डिमांड तो इंक्रीज हो गई, क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो डिमांड ऑब्वियसली बात इंक्रीज हुई, तो इन्होंने क्या किया वहां पर इंक्रीज कर दिए प्राइसेस फूड ग्रेन्स के। एंड मोस्ट वर्कर्स वर्क एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप एंड दे डिडंट सी इंक्रीज इन देयर वेजेस। और जितने भी वर्कर्स थे वहां पर एक लेबरर की तरह लैंडलेस लेबर भी थे, वर्कशॉप में किसी के यहाँ काम करते थे, तो उनको उनके वेजेस में उन्होंने कोई इंक्रीजमेंट नहीं किया। तो सिचुएशन बिकम वर्स व्हेनेवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और सिचुएशन तो और ज्यादा तब खराब हो जाती है जब वहां पर सूखा पड़ जाता है, अब अकाल पड़ना बोल सकते हैं हम, जहां पर हम ड्राई लैंड हो जाता है, तो उसके कारण उनकी फसल भी क्रॉप्स वगैरह वो लोग नहीं हुआ पाते। तो दिस लेड टू द स्केयरसिटी ऑफ फूड ग्रेन, जिसकी वजह से वहां पर किसकी प्रॉब्लम आ गई, स्केयरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई, और हम उसको नाम भी बोल सकते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, विच स्टार्टेड अकरिंग फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग ओल्ड रिजाइन। और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया पुराने टाइम से आगे वाले टाइम तक चलता आ गया। ये हमने देखा सेकेंड कॉज हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज की। पॉलिटिकल कॉज के अंदर लुई 16 केम इन टू पावर इन 1774 एंड फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। लुई 16 फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर लुई 16 ने सत्ता संभाल ली थी 1774 के अंदर, और उन्होंने वहां की जो ट्रेजरी जो खजाना था वो पूरा का पूरा खाली हो चुका था उस समय। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, बहुत टाइम से वहां पर जो दूसरे देश थे उनके साथ वॉर लड़ने के दौरान जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बचे कुचे थे फ्रांस के पास वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। अंडर लुई 16 फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। लुई 16 के अंडरगत फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज, फ्रांस ने हेल्प करी थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज की ताकि वो गेन कर सके इंडिपेंडेंस कॉमन, जब उस समय सभी देश आपस में वॉर लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन विच एडेड मोर देन अ बिलियन लीवर्स टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स, और उस समय ब्रिटेन भी इस लड़ाई में आ गया था, हिस्सेदार बन गया था, जिसके कारण उसने भी जो लाइवर जो होती है वो करेंसी है वहां पर ब्रिटेन के अंदर, तो ये चीज ज्यादा बढ़ गई थी और उनको ज्यादा पे करना पड़ गया था, जिसके कारण डेब्ट में आ गई थी पूरी की पूरी इकोनॉमी। तो एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज ऑल्सो कॉस्ट अ लॉट, अब उनको अलग से एक पैलेस जो था वर्सलीज वाला पैलेस उसके अंदर भी एक्सपेंडिचर करना था, तो जो वो उसकी जो कॉस्ट थी वो भी बढ़ गई थी। तो टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटी द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए आर्मी को मेंटेनेंस का खर्चा भी आता है, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को रन करना, यूनिवर्सिटीज को चलाना, तो स्टेट के पास सिर्फ एक ही मोटिव रह गया था कि अब इस सारी चीजों से फाइनेंशियल क्राइसिस से वो किस तरीके से निपटे। तो उन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट रखा कि हम टैक्सेस को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं टैक्सेस को। तो इस कारण ये हमने देखा किस तरीके से पॉलिटिकल कॉज एक बहुत बड़ा कारण बना फ्रांस की इकोनॉमी के लिए, जिसके कारण एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टमेंट हुई। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, किस लिए किया गया था, और हमने इसमें कॉजेस के बारे में देखा है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।